हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन मुंबई से। पिछले वीडियो की तरह हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि एक तो एक एसिडिटी हो सकता है, एक यहाँ पे पेन हो सकता है, यहाँ पे टेंडरनेस हो सकता है या ब्लॉटिंग वगैरह हो सकता है, पर ये सारे सिम्टम्स हैं। पर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से बॉडी में किस तरीके की दिक्कत आती है वो हम बात करेंगे। जब भी मैंने आपको बताया कि स्टोन जो होता है वो बहुत सारे साइज में वेरी करता है, वो रेत की तरह भी हो सकता है या तो एक बड़ा गोल्फ बॉल की तरह भी हो सकता है। जब ये जो वेरीज होते हैं स्टोन्स, जब ये स्टोन जाके अगर गॉल ब्लैडर की नली में अगर अटक जाते हैं तो जो पित्त जो रहता है वो सूजन पैदा करता है। वो जब सूजन पैदा करता है तो यहाँ पे अपने को पेन होने लग जाता है। वो जो सूजन है वो बाद में पस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये विद इन 24 आवर्स में अगर ये सारे होने लग जाता है उसे कहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, मतलब कि एक्यूट अटैक आ जाता है। जब ये बहुत बार कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ ट्रीटमेंट की वजह से ये अटैक शांत भी हो सकता है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से एक बार जिनमें अटैक आ सकता है उनको बार बार अटैक आने के चांसेस होते ही है। तो ये जब जो जिन लोगों में ये बार बार अटैक आते रहते हैं, ताकि बीच बीच में उनको सीवियर पेन होने लग जाता है या फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या पेट में दर्द चालू हो जाता है या ब्लॉटिंग वगैरह होने लग जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। तो जब भी अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको है तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाइए और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसका एक और तीसरा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, जब ये स्टोन अगर पित्त की थैली से निकल के अगर मेन पित्त की थैली में अगर अटक जाता है, जिसे हम कोलोडोकोलिथियासिस भी कहते हैं, तब आपकी बॉडी में जॉन्डिस वगैरह भी होने के संभावना होती है। उसके ऊपर तुरंत ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज जॉन्डिस की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये हो गया है आपका सिम्टम जो पित्त की स्टोन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये जब स्टोन पित्त की नली से अगर और नीचे सटकता है तो ये जाके अटक सकता है स्वादुपिंड में, जिससे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। जब पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है तो वो काफ़ी सीवियर मात्रा में पेशेंट में अटैक में माना जाता है, तो तब हॉस्पिटलाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों में स्टोन्स पता नहीं चलते है या नहीं, पर जिन लोगों में ये पता चल जाता है कि उनमें स्टोन्स है तो उन लोगों ने उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग डायबिटीज़ होते हैं उन डायबिटीज़ लोगों में स्टोन से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है और जिन लोगों में ये डिटेक्ट हो चुका है कि उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, उन्होंने ट्रीटमेंट कराना बहुत ही बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे के हम कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो डायग्नोसिस, मतलब इस चीज़ का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो हम आपके अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हम आपके हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरी कोई टीम मेंबर में से आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा।